नमस्कार दोस्तों, आज CBSE ने अपना क्लास टेंथ का जो स्कोर स्ट्रक्चर है, जो अपना स्ट्रक्चर है मार्क्स का डिजाइन करने का, जो पेपर देने का, और बोर्ड पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अब जो ऑल इंडिया जो स्कूल एफिलिएटेड जो CBSE के स्कूल हैं, उनमें बोर्ड कंपलसरी कर दिया गया, स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन को टोटली खत्म कर दिया गया है। तो जो आपके पेपर होंगे, जो आपके मेन सब्जेक्ट है लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वो आपके 80 मार्क्स के होंगे। और बाकी आपके जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि आपके 3 टेस्ट लिए जाएंगे, यूटीज जिसे कह सकते हैं हम, और जो 2 बेस्ट यूटीज होंगे वो CBSE के पास भेजे जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। और सेकेंड होगा नोटबुक का आपका सबमिशन, आपकी नीटनेस, आप किस हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन दिया नोटबुक में, आप किस हिसाब से लिखते हैं, काम पूरा है आपका, अपडेट है कि नहीं, ये सब चीजें आपकी नोटबुक असेसमेंट में आएगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जैसे स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल फॉर इंग्लिश में होगा, अभी भी पहले भी होती थी, अभी भी वो कंटिन्यू रखा है। हिंदी में भी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल रखी है 5 नंबर की। प्रैक्टिकल लैब वर्क रखा है, मैथ्स लैब वर्क रखा है, मैथ वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क रखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन सी बुक लें, किस हिसाब से पढ़े, कैसा स्ट्रक्चर है, अच्छा है बुरा है, आप किस हिसाब से तैयारी करेंगे CBSE बोर्ड के लिए ताकि आपके 100% आए। मैं आपको बुक भी बताऊंगा, रिवील करूंगा ट्रूथ को कि आप कैसे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स आए। मेरे भी 10th में मैंने पढ़ाई की थी तो 100% मार्क्स आए थे, तो आपको उसी हिसाब से चलेंगे आगे, तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट 10 मार्क्स में साफ साफ मैंने पढ़ रखा है, तो आपके 3 टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें आपके 2 जो आपके अबव जो जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, उसमें आपको उस आपके मार्क्स स्कूल बोर्ड में वही मार्क्स भेजेगा। नोटबुक सबमिशन के 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, स्कूल अपने हिसाब से भी इसमें एक्टिविटीज ला सकते हैं, जैसे पोएम कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्टिविटीज, जैसे मॉडल कॉम्पिटिशन फॉर साइंस, और भी चीजें लगा सकता है। बाकी यही सब है इसमें। तो CBSE ने बहुत अच्छा चेंज किया है, क्योंकि पिछले साल आधे स्कूल कोई स्कूल बोर्ड करता था, कोई बोर्ड करता था, किसी किसी वजह किसी स्कूल में चॉइस होती थी, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था क्लास टेंथ के लिए। और क्लास टेंथ के जो मार्क्स है उसे भी बहुत पूछना बंद हो गया था, इसलिए बच्चे का जो पढ़ने का स्ट्रक्चर है वही थोड़ा खराब होते जा रहा था। तो ये बहुत अच्छा CBSE ने डिसीजन लिया है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, मैं 1-2 दिन में ही वीडियो अपलोड करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मैं वन बाय वन सब्जेक्ट बताऊंगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और बताएं कि ये वाली चैनल ही मैं आपको बताऊंगा कि सच्ची में आपको ऐसे तैयारी करवा दूंगा इस चैनल से कि आपके 100 मार्क्स पक्का है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।